राजसमंद के देवेर थाना पुलिस को 18 जून को लिखित शिकायत मिली कि पीड़ित के घर मजदूरी देने के नाम पर आए और बारिश का बहाना करके कलयुगी दंपति ने रात रुकने का आग्रह किया। इसके बाद वे रात उनके घर रुके और अल सुबह उनकी नाबालिग पुत्री को अपहरण करके ले गए। इसके बाद कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया। देवेर थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों की पड़ताल के लिए टीमें भिजवाई। पूछताछ में उनके भीलवाड़ा जिले के किसी रिश्तेदार के घर में छिपे होने की सूचना मिली। इस पर पुलिस ने कल आरोपी दंपति को भीलवाड़ा जिले के आश्रित से गिरफ्तार कर लिया। आज उन्हें जिला पोस्को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को बरामदगी और बयान के लिए 3 दिन की पीसी रिमांड पर भेजा गया है। दिनांक 18/6/19 को नाबालिग पीड़िता के पिता द्वारा पेश हुआ रिपोर्ट पर नाबालिग पीड़िता की सरगर्मी से तलाश कर दस्तियाब किया गया। पीड़िता के बयान के अनुसार मुलजिम नैनालाल व उसकी पत्नी पुष्पा द्वारा पीड़िता का अपहरण कर एक कमरे में बंद रख दुष्कर्म करना पाया गया। इस पर मुलजिमान की तलाश कर दिनांक 24/6/19 को गिरफ्तार किया गया, जिनको आज पोस्को कोर्ट में पेश कर 3 दिन का रिमांड प्राप्त किया गया है। दोनों मुलजिमान से